क्या उम्मीद है अगला जो कार्यकाल हो कैसा हो, क्या अपेक्षाएं हैं आप लोगों की? सबसे पहले तो मैं माननीय मोदी जी को आपके चैनल के माध्यम से बधाई देना चाहता हूँ। साथ ही साथ जो जो वादे जो घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी के था, निश्चित रूप से उसकी ओर आगे अग्रसर होना चाहिए। प्लस जो माननीय मोदी जी की जो स्वास्थ्य के लिए योजनाएं हैं उसमें प्रत्येक आदमी को कवर करना चाहिए। आज 50 करोड़ लोग उसमें कवर कवर उसको रिस्क कवर हो रही है, उसके साथ साथ पूरे देश की होनी चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब बेसिक नेसेसिटीज़ हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर निश्चित रूप से जो पिछले कार्यकाल में उन्होंने काम किया है वो सराहनीय है, और आने वाले समय में और अच्छा, जहाँ पे और जो गाँव से कनेक्टिविटी के और जो प्रधानमंत्री उसमें सड़क, ग्रामीण सड़क में जो सुधार होना चाहिए वो होना चाहिए। युवाओं को बहुत उम्मीद है और मोदी जी युवाओं को उम्मीदों को पूरा करेंगे, देश में रोजगार लाएंगे युवाओं के लिए और बहुत सारी फैक्ट्रियाँ जैसे कुछ ना कुछ सुचारू रूप से रोजगार उत्पन्न करेंगे, नए नए रोजगार देंगे युवाओं को, ताकि इस देश से गरीबी कम हो। और जो जनसंख्या नियंत्रण करेंगे, जनसंख्या में जैसे दो हम दो हमारे दो, ये नारा साबित हो, ये मुस्लिमों के लिए भी ये नारा साबित हो, ताकि वो क्या बच्चे पैदा करते जा रहे हैं बहुत ज़्यादा, उसमें नियंत्रण लागू हो और हम दो हमारे दो ये बच्चा ये नारा साबित हो, यही हम उम्मीद करते हैं मोदी जी से। और भव्य राम मंदिर का निर्माण हो अयोध्या में, हम सभी ने ये सोचकर ये उम्मीद पर मोदी जी को वोट दिया है। मोदी जी से हमारी यही आशा है कि युवाओं के लिए बेहतर से बेहतर रोजगार उपलब्ध कराएं, नई नई कंपनियाँ खोलें और देश के विकास करें, पढ़ाई लिखाई में लोगों के लिए नए कॉलेज की स्थापना करें, नई नई यूनिवर्सिटी खोलें, जिससे कि आने वाली पीढ़ी को भी रोजगार मिल सके और दिक्कत नहीं आए। प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं वो 8,000-10,000 में काम करते हैं 12 घंटे, तो उनकी पेमेंट बढ़ाई जाए, उनके लिए भी कानून बना जाए जिससे कि अधिक से अधिक उन्हें 15 से 20 हज़ार रुपये पेमेंट मंथली मिलना चाहिए, ये कानून बनना चाहिए। सर स्मार्ट सिटी का बोला था, अभी तक कहीं स्मार्ट सिटी दिख भी नहीं रही है, सब जगह कचरा पड़ा ही हुआ। अभी तक सब कहते हैं भोपाल नंबर वन बनाएंगे, अभी तक दिखते ही नहीं है कहीं। और क्या होना चाहिए देश में? अच्छा, जो बोलते हैं कि नए नए शहर बनाएंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, अभी तक कुछ हुआ ही नहीं ऐसा। के अलावा कोई सड़क है, बिजली है, पानी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, कुछ? शिक्षा तो सर आजकल धंधा हो गया, सब लोग हर कहीं खोल लेते हैं, एक वो सीमित है ही नहीं कि एक जगह हो जो आदमी पढ़ सके, हर कहीं कोचिंग, हर कहीं स्कूल। आशाएं तो देखिए पूरी है सभी को, तभी उनका मैंडेट बता रहा है कि उनको इतने जो मिला है जनाधार, उससे कुछ वो बात ही नहीं बचती है। बाकी मोदी जी की जो भी योजना है वो तो देश हित के लिए है सारी। अब आगे 5 साल में आप ऐसी क्या चाहते हो, और जो कोई कमी रह गई हो या मोदी जी का संकल्प हो कि अगले 5 साल में हम ऐसा और करेंगे, तो आप क्या चाहते हैं, कौन सी योजना आपको सबसे लोकप्रिय लगती है? इतने हैं जैसे हमारी जनरेशन के हिसाब से जो देखे, जो समाज में बहुत सारी विसंगतियाँ थी जो कि ऑटोमेटिक मोदी जी के योजना ऐसे सब धीरे धीरे जातिवाद हो गए, बहुत सारे ऐसे मैटर हैं जो धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं, और आने वाले समय में ये सब खत्म हो जाए तो देश ऑटोमेटिक अपने राह पे सही चलेगा।